अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल PH एकेडमी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप्स। बिफोर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। Basically, we are providing lecture from class 9 sin textbook board physics. So, आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारी दूसरी वीडियो होगी, ठीक है। इसमें हम आपको मेजरमेंट्स, उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी के जो दो टाइप्स होते हैं वो समझाएंगे और कुछ और बेसिक बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझा दूँ कि मेजरमेंट्स होता क्या है। देखिए, कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी टू अ स्टैंडर्ड वन इज कॉल्ड मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी आपको नोन होता है, जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर में इतना डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस का 1 मीटर होता है, ठीक है, और आपके लिए बाकायदे स्केल बना हुआ हो तो इस चीज़ के लिए। अब उस स्केल की मदद से अगर कोई अननोन डिस्टेंस हो, ठीक है, उसकी मदद से आप मेजर करते हैं, तो आप कैसे करते हैं, उस स्केल की मदद से, ठीक है। 1 मीटर का आपने एक स्केल ले लिया, ठीक है, और उसको जब आप उस अननोन डिस्टेंस जो आप मेजर करना चाहते हैं उसके थ्रू आप मेजर करते हैं। तो दिस फेनोमेनन इस मेजरमेंट्स, ठीक है, यानी कंपेयर करके कर रहे हैं आप सब। तो कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वान्टिटी टू अ स्टैंडर्ड वन इज कॉल्ड मेजरमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक पेन है, मैं चाहता हूँ वो जो पेन है उसकी हाइट क्या है, ठीक है। अब हाइट, हाँ हाइट, हाइट एक आपके पास क्या है, हाइट आपके पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्यों क्वांटिटी, क्यों हाइट आपके पास एक फ़िज़िकल, बिकॉज यू कैन मेजर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं, डेट्स वाई हाइट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, आपके पास लेंथ है, मास है, टाइम है, मास को आप मेजर कर सकते हैं, किसी भी मैटर की क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं, आपके वो जो क्वांटिटी है, क्योंकि आप उसको मेजर कर सकते हैं, इस वजह से उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह टाइम। अब फिज़िकल क्वांटिटी के अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं फिज़िकल क्वांटिटी के, फिज़िकल क्वांटिटी के हमारे पास ओवरऑल मेन जो टाइप्स है वो है दो, ठीक है। एक फंडामेंटल, जिसका दूसरा नाम बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटी। अच्छा, अब ये फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी क्या होते हैं ज़रा देखें। दोज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई अदर फिज़िकल क्वान्टिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वान्टिटी। यानी ऐसे क्वान्टिटी जिसको आप किसी दूसरे फिज़िकल क्वान्टिटी से नहीं बयान कर सकते। या अगर इसको सिंपल, मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि 7 फिज़िकल क्वान्टिटीज़ आर नॉन बेस ऑफ फंडामेंटल, यानी 7 क्वान्टिटी जिसको आप बेस क्वान्टिटी या फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ कहेंगे, जिसमें हमारे पास वो 7 क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, करंट है, ठीक है। अच्छा, अब इनके कुछ यूनिट्स होते हैं, यानी बेस यूनिट कहा जाती है या फंडामेंटल यूनिट, लेंथ। अच्छा, ये जो तमाम क्वान्टिटीज़ हैं, यानी जितने भी आपके पास बेस क्वांटिटी से उनके यूनिट्स को क्या बोलेंगे आप, बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। तो लेंथ को आप मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, मास को आप मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को आप मेजर करते हैं सेकंड के अंदर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में, टेम्परेचर को आप केल्विन में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप कैंडेला के अंदर मेजर करते हैं, और करंट को आप एम्पेयर में मेजर करते हैं। अब हमारे पास है जी फिज़िकल क्वान्टिटी का जो दूसरा टाइप वो है डायरेक्ट क्वान्टिटी, दोज फिज़िकल क्वान्टिटी विच कैन बी एक्सप्लेन। अच्छा, ऊपर आप क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच कैन बी एक्सप्लेन बाई द हेल्प ऑफ अदर फंडामेंटल क्वान्टिटीज या विद हेल्प ऑफ बेस क्वान्टिटी आर कॉल्ड डायरेक्ट क्वान्टिटी। सिंपल, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो बेहतरीन डेफिनेशन है, द फिज़िकल क्वान्टिटीज डेट आर डिराइव्ड फ्राम अदर फिज़िकल क्वान्टिटीज आर नोन एज डायरेक्ट क्वान्टिटी। क्या मतलब, मतलब ये कि हमारे पास वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखें ना, इसमें बेस क्वांटिटी होंगी, कैसे, 3 लेंथ आपस में मिलते हैं तो वॉल्यूम बनता है, ठीक है। तो
लेंथ आपके पास क्या है, फंडामेंटल है, बेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह एरिया, दो लेंथ आपस में मिलके एरिया बनाते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब के अंदर अगर आप देखें ना, तो ये खुद बेस क्वांटिटी से मिलकर बने हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, जैसे कि वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी का आपके पास मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। फोर्स का न्यूटन है, जो कि इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। डेंसिटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। अब हम दो बेसिक और बातें, लेंथ होता क्या है, लेंथ यानी किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर लेइंग ऑन द सेम प्लेन, इसका लेंथ, ठीक है। लेंथ का यूनिट जो है ना मीटर होता है। अब खुद वन मीटर ही क्या, दस एक मीटर के अंदर आखिर कितना डिस्टेंस आता है, देखें, द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाई द लाइट, यानी लाइट जो है ना, लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सूरज की रोशनी कंसिडर करें, ठीक है। सूरज की रोशनी जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कितने टाइमिंग के अंदर, इन वैक्यूम के अंदर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1 hour 2 9 9 7 9 2 4 5 6 8 seconds, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, 1 second को आप इतने हिस्सों में डिवाइड करें, यानी 2,99,29,97,92,456 इतने पार्ट्स में आप 1 second को डिवाइड करें, ठीक है। अब सेकेंड के जो शुरू वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट, उसमें लाइट जितना डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, वो वाला डिस्टेंस आपके पास 1 meter के बराबर होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, 1 meter के अंदर कितना डिस्टेंस आता है, तो लाइट जो है ना, लाइट फर्स्ट कर ले, आपने आपके पास एक टॉर्च है, उसके थ्रू आप लाइट जलाते हैं, मैं इससे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। अब जब आपने उसको लाइट आपने स्विच ऑन किया, तो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो 1 second का इतना पार्ट्स, यानी 1 second को अपने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो उसके इनके पहलावा हिस्सा, यानी शुरू के 1 part के अंदर लाइट जो है ना जितना डिस्टेंस तय करेगा, वो डिस्टेंस आपके पास मीटर के बराबर होता है, ठीक है। मीटर रूल क्या होता है, मीटर रूल दरअसल एक डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। मीटर रूल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, मीटर रूल इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मीटर रूल ऑफ 1 meter कंसिस्ट ऑफ 100 centimeter, एक 1 meter का जो मीटर रूल होता है ना, जो अक्सर हम हमारे लेब के अंदर, फिजिक्स लेब के अंदर इस्तेमाल करते हैं, साइंस लेब के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो 100 centimeter का होता है, ठीक है। जब क्लासेस जब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगी, प्रैक्टिकल क्लास, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि 1 meter जो हमारे पास से रूल है वो किसके बराबर होता है। 1 centimeter इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब उसके अंदर जो 1 centimeter है वो बसी छोटे छोटे डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किए हुए होते हैं, उसमें 10 small divisions होते हैं, उनको मिलीमीटर कहते हैं हम, ठीक है। तो 1 meter रूल का ये याद रखिए, जितने भी अब मैं डिवाइस आगे अभी अब आगे जाके मैं आपको वर्नियर कैलिपर पढ़ाऊंगा, स्क्रू गेज पढ़ाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो उसमें ज़रूर आपने सब का जो लीस्ट कोण है वो ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। तो 1 millimeter मीटर रूल का क्या होता है, यानी लीस्ट कोण से मुराद ये कि जिससे मज़ीद आप सिंपलेस्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी 1 millimeter हाथ है इतना तक आप मेजर कर सकते, अगर डिस्टेंस 1 millimeter हो तो आप मीटर रूल की मदद से इतना तक भी मालूम कर सकते, 1 millimeter के डिस्टेंस को भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल एक नोट में मैंने यहाँ पे मेंशन कराया हुआ कि 1 meter 100 centimeter के बराबर होते हैं और 1 centimeter 10 millimeter के बराबर होते हैं। तो हमारी दूसरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, तीसरी वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, आपके ये जो कोर्स है वो सून में सारी की सारी जो है ना नोट के फॉर्म में आपको वीडियो की सूरत में मिलेंगी, ठीक। थैंक यू।